हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसके लिए देखिए मैंने दो कलर की ये मैक्रम ली हुई है और इसमें मैंने 14 फंदे डाले हुए हैं। इसमें फंदे आप 4 के मल्टीपल में डाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं फर्स्ट रो बुनूंगी। लास्ट में एक फंदा छोड़ूंगी इस तरीके से और यहीं से इसको वापस पलट लूंगी। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 रो हो गई हैं। आप देखिए यहाँ से एक फंदा फिर से छोड़ देंगे इस तरीके से और ऐसे इसको पलट लेंगे। इस फंदे को सीधा इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए एक एक फंदा छोड़ते हुए ये यहाँ पे 2 रो ये वाली हो गई और एक मैंने फंदे डाले थे और देखिए यहाँ पे 3 फंदे छूट जाएंगे। ये देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लिया और ऐसे ये देखिए फिर से एक फंदा छोड़ दिया और यहीं से वापस इसको पलट लिया और इस रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ से ऐसे। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 और देखिए ये वाली 4 4 रो आ गई हैं इधर। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगी। इस मैक्रम को इसी में दबाते हुए ले जाएंगे ताकि ये खुले नहीं और उसके बाद इसको थोड़ा सा जला के इस तरीके से चिपका देना है यहाँ से। ये देखिए एक फंदा फिर से छोड़ दिया और यहीं से इसको पलट लिया और देखिए यहाँ से इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करो। आप देखिए यहाँ से मैं एक एक फंदा छोड़ते हुए और देखिए इस तरह से 4 4 फंदे छोड़ूंगी और ये 4 4 रो डालूंगी दोनों कलर से। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इसको लास्ट एक फंदे तक। ये देखिए मैंने इस तरीके से लास्ट यहाँ तक बना लिया है। आप जितने फंदे का बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। आप देखिए यहाँ से मैं ऊपर के साइड से एक एक फंदा बढ़ाऊँगी। एक फंदे तक मैंने बुन लिया। अब देखिए एक ये बुना और एक आगे से ले लिया और यहीं से इसको फिर से पलट लिया। ये देखिए ऐसे वापस इसको एक ये देखिए यहाँ तक बुना था उसके बाद एक फंदा आगे से और यहीं से फिर से पलट लेंगे। इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे। ये देखिए आप देखिए यहाँ से ये वाले फंदे मैंने ले लिए हैं। आप देखिए यहाँ से ऑरेंज कलर लगाऊंगी तो ऑरेंज के फिर मैं एक एक फंदे ऑरेंज के भी बढ़ाऊंगी। ये देखिए एक आगे से ले लूँगी। अगर आपको गैपिंग लग रही है तो आप यहाँ से एक फंदा उठा के इस तरीके से इस फंदे के साथ बना दीजिए तो आपके ये गैपिंग नहीं होगी। इस तरीके से यहीं से इसको फिर से पलट लेंगे। देखिए और इस फंदे को ऐसे सीधा बनाते जाएंगे। आप चाहें तो इसको उल्टा भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से
आप देखिए, मैं इस तरीके से यहाँ से एक एक फंदा लेते हुए यहाँ तक ऑरेंज बुनूंगी, उसके बाद ब्लैक लगा लूंगी। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ कली। आप देखिए, यहाँ तक मैंने ये बना लिया और ये कली ये कंप्लीट हो गई है। आप देखिए, यहाँ से मैं ये ऑरेंज कलर लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ से मैं इसको ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो इसी ब्लैक कलर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कली जो है, ये आपकी चौड़ी चौड़ी बन जाएगी। ये देखिए, इस रो में सारे फंदे इसी कलर से बुन लूँगी। अब यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो रही है और ये चार कली में बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यहाँ से बना लिया मैंने इस एक फंदा उतार के यहाँ से इस तरीके से। अब मैं एक एक फंदा छोड़ूंगी, इसको कंप्लीट कर। आप देखिए, यहाँ से इसी तरीके से मैं सेम बनाऊंगी दूसरी कली, और ये चार कली में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बना के इसको कंप्लीट करती हूँ।